सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल में आपने खूब मेहनत, खूब पसीना बहाया, फिर भी आखिर में हम क्या देखते हैं कि उत्पादन धान की फसल से एक टॉप का नहीं मिल सका। पैदावार में भारी गिरावट आ गई। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में और भी ज़्यादा यह समस्या आएगी। इसी उलझनों में किसान इस समय अपनी धान की फसल में पहले कुछ नहीं किया, अब स्प्रे पंप पीठ पर लाद कर NPK 13045 00 52 34, बोरान, कीटनाशक, फंगीसाइड, जिंक, तेले, हॉपर वाली स्प्रे, बैक्टीरियासाइड और भी सभी फार्मुलेशन वाली स्प्रे, यह सभी स्प्रे किसान इन दिनों अपनी धान की फसल पर जोरों शोरों से कर रहे हैं। किसान भाइयों, इन स्प्रे से कितना हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और ये कितना नुकसान करती हैं, डिटेल से हम जानेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, जो चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता है। सबसे पहले पैदावार बढ़ाने वाली जो उलझन किसानों की बनी हुई है, उसको पहले हम क्लियर करते हैं। जितनी भी प्रकार की फार्मुलेशन NPK की हैं, इनसे कैसे पैदावार बढ़ती है और ये कैसे नुकसान भी फसलों पर करती हैं। हम जितने प्रकार के भी फार्मूले उपयोग करते हैं अपनी फसलों पर, बालियों का साइज बढ़ाने के लिए, दानों की गिनती बढ़ाने के लिए, जितनी भी प्रकार की ये NPK फार्मुलेशन स्प्रे, फॉली केयर स्प्रे, जैसे किसान बड़ी गलती तब कर बैठते हैं जब धान में स्प्रे करते हैं, जैसे तेले के लिए इंसेक्टीसाइड लेते हैं, उसी में फंगीसाइड मिला लेते हैं और उसी में बैक्टीरियासाइड भी मिला लेते हैं, उसके बाद सारा सत्यानाश तब कर बैठते हैं जब उसी स्प्रे घोल में NPK 13045 या NPK 00 52 34 भी मिला लेते हैं। यह स्प्रे आपकी फसल पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, बल्कि यह नुकसान कर सकती है। यह स्प्रे अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन कैसे देगी वह भी आप लोगों को हम बताएंगे। किसान भाइयों, आप अपनी गाय को 2 दिनों तक हरा चारा नहीं खिलाते हैं और शाम को गाय को 2 किलो दाना खिलाते हैं, और सुबह क्या वो आपकी गाय जो है पूरी मात्रा में दूध देगी? बिल्कुल नहीं देगी। किसान भाइयों, ऐसे ही हमारी किसान भाइयों फसलें होती हैं। अगर आप उन जमीन में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग पहले से नहीं किया है, अपनी फसल में गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अब सिर्फ स्प्रे कर देने से उत्पादन नहीं बढ़ने वाला है, बालियों की लंबाई नहीं बढ़ने वाली है, इससे दानों का ग्रेन वेट बढ़ सकता है, दानों की सेल प्रोटेक्ट होती है, इससे दानों की गिनती नहीं बढ़ती है, इससे दानों की गिनती कम होने से बचती है, यानी बालियों में छिलका कम होता है, कम बनेगा। अगर आप स्प्रे अलग अलग कर सकते हैं तो आप अपनी फसल पर स्प्रे करें। अगर आप अलग अलग स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो किसान भाइयों स्प्रे बिल्कुल ना करें। जैसे NPK 13045 जो होती है, इसके साथ में बोरान स्प्रे मिलाकर कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आप चिलेटेड जिंक जो आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही NPK 00 52 34 के साथ आप किसान भाइयों बोरान मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। 13045 के साथ चिलेटेड जिंक मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके साथ तीसरी चीज़ बिल्कुल भी ऐड ना करें, जैसे तेले, हॉपर वाली स्प्रे, फंगीसाइड स्प्रे, बैक्टीरियासाइड स्प्रे। धान में फ्लॉरिंग स्टेज पर अगर आप कोई भी फंगीसाइड स्प्रे करते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म का हो या दूसरा लिक्विड फॉर्म का हो, बहुत बड़ा नुकसान होता है किसान भाइयों। फ्लॉरिंग स्टेज पर अगर आप फसलों पे किसी भी प्रकार का स्प्रे करते हैं, आप धान में फंगीसाइड का स्प्रे करना भी चाहते हैं जब आपकी फसल गबोट अवस्था में है, तभी आप एक अच्छा सा फंगीसाइड स्प्रे कर दें, 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको जो घोल में पानी लेना है वह भी आपको ताज़ा लेना होगा, खेतों का खड़ा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बोरान की जो डोज किसान भाइयों आप लोगों को लेनी होती है, वो 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग करनी चाहिए। धान की फसल में ध्यान रखें, कई दवाइयों का स्प्रे किसान भाइयों मिलाकर आप लोगों को नहीं करना है, नहीं तो आखिरी में आप लोगों को निराशा देखना पड़ेगा, आपकी जो उत्पादन है वो कम होगा, दानों की क्वालिटी खराब होगी। एक साथ स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। अगर अच्छा उत्पादन लेना है, बेहतर उत्पादन लेना है, तो एक संतुलित उर्वरकों का पहले प्रयोग करना होता है अपनी धान की फसल में, उसके बाद में जितने भी ये फार्मुलेशन के स्प्रे आते हैं NPK के, ये एक मेहनत करने वाले किसान भाइयों के लिए बने हुए हैं। जो किसान भाई मेहनत कर सकते हैं, अलग अलग स्प्रे कर सकते हैं, वही किसान भाई अपने खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ना करें, नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, ये जानकारी मेरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो दबाकर शेयर कीजिएगा किसान हित में, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।